नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ब्लड में वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑटो रेगुलेशन ऑटो रेगुलेशन क्या होता है ऑटो रेगुलेशन एग्जैक्टली एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्रिटिकल कंडीशन जब बॉडी में कोई क्राइसिस uh, होता है या क्रिटिकल कंडीशन में होती है बॉडी तब ये ऑटो रेगुलेशन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है तो so, एग्जैक्टली exactly क्या है कैपेसिटी ऑफ टिश्यू टू रेगुलेट इट्स ऑन ब्लड फ्लो मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें जो बॉडी टिश्यू है वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो खुद रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो खुद के ब्लड फ्लो को मतलब खुद के ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेगा मतलब खुद में जो ऑक्सीजन की सप्लाई क्योंकि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है न्यूट्रिय को कैरी करता है यदि स्पेसिफिक बात करेंगे ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन के बिना लाइफ है नहीं तो वो ऐसा रेगुलेशन टिश्यू ऐसा जो टिश्यू जो रेगुलेट करता है अपने ब्लड फ्लो को और एग्जैक्टली ऑक्सीजन के फ़्लो को ऑक्सीजन सप्लाई को वो ऑटो रेगुलेशन होता है तो जो मेन ऑटो रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनमें खुद में कैपेसिटी होती है फ्लो को रेगुलेट करके ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करने की वो कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट जॉब में बहुत बार आया है या शॉर्ट नोट्स में आ सकता है सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है किडनी किडनी में ऑटो रेगुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा किडनी होगा उसमें खुद में रेगुलेशन की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है इसके अलावा मिजेंट्री स्केलेटल मसल्स ब्रेन लीवर एंड मायोकार्डियम किडनी तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वन पे आपको किडनी याद रखना है सेकेंड है मिजेंट्री स्केलेटल मसल्स ब्रेन लीवर एंड मायोकार्डियम ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में इन ऑर्गन्स के टिश्यू में कैपेबिलिटी होती है ऑटो रेगुलेशन का खुद के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो ये है आपका ऑटो रेगुलेशन